नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धि श्रीवास्तव इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। टोक्यो ओलंपिक के 8वें दिन महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने भारत की झोली में दूसरा पदक पक्का कर दिया है। पहली बार ओलंपिक में हिस्सा ले रही लवलीना ने चाइनीज ताइपे की नियेन चीन चेंग को 4-1 से हरा कर ये सफलता हासिल की है। लवलीना ने 69 किलोग्राम कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की नियेन चीन चेंग को हरा दिया है। इसके साथ ही लवलीना का मेडल भी पक्का हो गया है। लवलीना अब सेमीफाइनल में जगह बना चुकी हैं। सेमीफाइनल में मैच हारने पर लवलीना को ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा। लवलीना ने इतिहास रचते हुए टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए दूसरा मेडल पक्का किया है। बॉक्सिंग में 69 किलोग्राम इवेंट में सेमीफाइनल का सफर तय करके लवलीना ने इतिहास रचा है। लवलीना भारत की ओर से इस कैटेगरी में मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। लवलीना के पास हालांकि भारत के लिए बॉक्सिंग में पहला गोल्ड मेडल जीतने का भी मौका है, लेकिन इसके लिए लवलीना को 2 और मुकाबले जीतने होंगे। लवलीना को अंदाजा हो गया था कि उन्होंने मुकाबला जीत लिया है, उनकी खुशी देखने वाली थी। ओलंपिक में मेडल हासिल करने वाली वो तीसरी भारतीय मुक्केबाज हैं। विजेंद्र सिंह ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में तो मैरी कॉम ने 2012 लंदन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। पहले राउंड में लवलीना ने 3-2 से जीत हासिल की। वहीं दूसरे राउंड में लग रहा था कि चीनी ताइपे की बॉक्सर ने वापसी की। लवलीना ने हालांकि अपनी हाइट का अच्छा फायदा उठाने की कोशिश की। उन्होंने लगातार पंच लगाने का प्रयास किया, लेकिन चीनी ताइपे के मुक्केबाज का दम ज़्यादा दिखाई दिया। लवलीना ने प्री क्वार्टर फाइनल में अपने से 12 साल बड़ी इजिप्ट को 3-2 से हराया था। इसी के साथ ही लवलीना भारत की 9 सदस्यीय टीम से अंतिम 8 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।